हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेसन प्लान शेयर करने वाली हूँ कि लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ऐड करनी होती है। तो इस बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हम लेसन प्लान में ऐड करते हैं या लेसन प्लान को क्यों बनाते हैं। तो आज मैं एक प्रॉपर लेसन प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है। तो लेसन प्लान एक प्रॉपर प्लान होता है जो कोई भी टीचर किसी भी क्लास में एंटर होने से पहले बनाता है कि उसको उस क्लास में जाकर कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, वो आज कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, उस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करेगा, कौन कौन से टीचिंग एड्स उसको यूज़ करने हैं और उसके अलावा उस टॉपिक के कौन कौन से पॉइंट्स को उसको कवर करना है और क्या उसको होमवर्क देना है, क्या क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्लान के तहत होती हैं जिसे हम लोग लेसन प्लान करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहली चीज़ जो हम क्लास में एंटर होने के बाद करते हैं, जैसा कि मैंने माइक्रो लेसन प्लान में भी बताया था आप लोगों को, कि सबसे पहले हम डेट डालेंगे, सब्जेक्ट और टॉपिक। टॉपिक हमें माइक्रो लेसन प्लान की तरह ही अभी नहीं लिखना, ठीक है। जब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछ लेंगे उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। क्लास कौन से पीरियड में पढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन कितना है क्लास का, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है जनरल एम्स। इस चीज़ में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि जनरल एम में क्या लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में दिक्कत होती है, ठीक है। तो जनरल एम्स ये होता है कि आप अगर पढ़ाने गए हैं तो जनरली जो है वहाँ पर किस चीज़ की डेवलपमेंट होगी, स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे, किस तरह की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो जनरल एम जो है ये ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या है, देखिए, टू डेवलप द रीडिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट्स। रीडिंग स्किल अगर आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आप रीड करवाएंगे स्टूडेंट से, उनकी रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। उसके बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो भी डेवलप होगी। उसके बाद देखिए लर्निंग एबिलिटी जो है, सीखने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी स्टूडेंट्स में। और क्या है, कंटेंट के साथ जो है स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे कि क्या कंटेंट है उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जर्नल एम्स हुआ। और ये जर्नल एम्स जो है ऑलमोस्ट हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट सीखते हैं, ठीक है। अब जो हमें स्पेसिफिक एम डालना है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पेसिफिक एम का, तो स्पेसिफिक एम थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख जो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली बात कि स्पेसिफिक एम के लिए मैंने बताया था कि ब्लूम्स के वर्ब होते हैं, ठीक है। ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है तो उसके कुछ उन्होंने वर्ब्स बताए थे जो कि हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। ब्लूम्स वर्ब में हमें कौन सा यूज़ करना पड़ता है, 6 तरह की चीज़ें उन्होंने बताई थी। नॉलेज है, उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये तीनों चीज़, हमें कुछ एम्स जो है वो नॉलेज बेस पर बनाना है, कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग बेस पर बनाना है और कुछ जो है एप्लीकेशन बेस पर बनाना है, ठीक है। इसमें क्या है कि क्या नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे क्या समझेंगे, अंडरस्टैंड क्या करेंगे और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको फर्दर स्टडीज़ में कैसे अप्लाई करेंगे जो हम नॉलेज स्टूडेंट्स को देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको गूगल आप करिएगा तो आराम से आपको जो है बिल्कुल आसानी से ब्लूम्स के वर्ब्स मिल जाएंगे। ऐसे भी मैं एक स्क्रीनशॉट जो है
इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगी ताकि आप उसमें से भी देख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने तीन स्पेसिफिक एम्स लिखे हैं, ये तीनों डोमेन्स को रिलेट करते हुए। पहला जो है टू मेक अंडरस्टैंड एबल टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब वर्ड जो है ये नॉलेज डोमेन्स का है। अबाउट द एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। स्टूडेंट विल बी एबल टू समराइज, समराइज जो है वो अंडरस्टैंडिंग डोमेन से रिलेट करता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टूडेंट विल डिस्कवर अबाउट, ये जो डिस्कवर वर्ड है वो एप्लीकेशन डोमेन से रिलेट करता है। डिस्कवर अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडिया इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये तो वर्ब्स की बात है कि हमें कौन सा वर्ब यूज़ करना है और किस तरह के कौन से डोमेन से को अप्लाई करना पड़ेगा। स्पेसिफिक एम ये होता है कि जो भी कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस टॉपिक से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी स्पेसिफिक एम। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं कि आगे हमें इसके बाद क्या करना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे कि माइक्रो लेसन प्लान में वी यूज टू मेक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, उसी तरह से इसमें भी हमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन इस तरह का बना लेना होगा। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया, हु इज़ द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग थिंग ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट का रिस्पांस क्या है, मैन इज़ द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। वेयर डू मैन यूज टू लिव एट फर्स्ट, पहले कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे। व्हाट डू वी कॉल द सेटलमेंट ऑफ एशियन पीपल, जब वो लोग सेटल हो गए तो उनकी सेटलमेंट को क्या कहा जाने लगा, ठीक है। तो उनकी सेटलमेंट को सिविलाइजेशन कहा जाने लगा, यहाँ तक बच्चे जानते थे। इसके बाद मैंने अपना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये मेरा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बच्चों को नहीं पता। अब मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ एम दूंगी कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन। जब यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट ऑफ एम दे दिया, उसके बाद मैं ये कहते हुए यहाँ पर अपना टॉपिक जो है वो ऐड कर दूँगा, हरप्पन सिविलाइजेशन, ओके। ये हमने लिख दिया और एज यूजुअल टॉपिक को अंडरलाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम कर लिया है। स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद टीचिंग एड और मटेरियल, क्या टीचिंग एड हम यूज़ करने जा रहे हैं तो वो उसको यहाँ पर मेंशन करना है। चार्ट्स है, मैप्स है, पॉइंटर है, डस्टर है, चॉक है, जो भी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा मेन प्रेजेंटेशन टेबल होता है। मेन प्रेजेंटेशन टेबल जो है वो देखिए, इसमें मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, ये देखिए सबसे पहला जो कॉलम होगा वो सीरियल नंबर है, टॉपिक है पुपिल टीचर एक्टिविटी, मतलब आपकी एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्स देंगे, टीचिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल एड क्या यूज़ कर रहे हैं, और एंड में आप ब्लैक बोर्ड पर जो भी वर्क करते हैं उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर लगाकर उसके ऊपर आपको अपनी एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी को लिखना। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन किया। तो सेम क्वेश्चन, विच इज़ द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या किसी को पता हो या चैप्टर देख कर कोई बता दे तो वो हरप्पन सिविलाइजेशन बताएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करना, टीचर शुरू करेगा या मुझे शुरू करना है, तो मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन बुक से लिखा है या कहीं से भी, तो ये मैं एक्सप्लेन करना
शुरू करूँगी. इन 1921 इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट रिवील्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. इट फ्लरिश एट द बैंक ऑफ रिवर इंडस. ठीक है, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है? स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली. कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है? एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ किया है. ठीक है, मटेरियल क्या दिखा रहे हैं हम? मैप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दिखा रहे हैं. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. देर वर टू मेन सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो. स्टूडेंट्स और अटेंटिवली जो है सुन रहे हैं इसको. मैं इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है हड़प्पन एंड मोहनजोदारो की पिक्चर्स लगाई है उस चार्ट पर. ठीक है, तो वो मैं स्टूडेंट के सामने लगाऊंगी और वो उसको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस जो भी मेरा कंटेंट है उससे रिलेट करेंगे. फीचर्स ऑफ द सिटी लास्ट पॉइंट टॉपिक है मेरा. फीचर्स क्या है? द सिटीज़ वेयर एग्जांपल ऑफ अर्बन प्लानिंग बेक ब्रिक ड्रेनेज सिस्टम वेयर सी. ठीक है, तो ये जो है जो चीज़ मुझे एक्सप्लेन करनी थी क्लास में, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, ये उसका प्रेजेंटेशन है. ठीक है, इस प्रेजेंटेशन के बाद हमें क्या डालना है? कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछना है. नेम टू सिटीज़ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. स्टूडेंट्स आंसर करेंगे ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश. ठीक है, व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ द सिटीज़. यहाँ पर हमें एक ब्लैक चार्ट पेपर ऐड करना है और उस पर जो भी हमने वर्क किया है उसको लिखना है. और उसके अलावा यहाँ के जो भी आंसर्स स्टूडेंट देंगे इस इन सब क्वेश्चंस के वो भी यहाँ पर हमें लिखना है. ठीक है, फिर आप अपने साथ रिकैपुलेटरी क्वेश्चंस ले जाएंगे बना कर. रिकैपुलेटरी क्वेश्चंस जो है वो आपको अपने साथ रोलर बोर्ड जो होता है तो उस पर आपको ये लिख कर ले जाना पड़ता है. ठीक है, कि आप क्या क्या रिकैप करना चाहेंगे. तो ये देखिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है रोलर बोर्ड के लिए. इन डैश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर डैश सिविलाइजेशन इन 1921 स्टूडेंट विल आंसर हड़प्पन. ओके, तो जब जैसे ही स्टूडेंट्स आंसर देते रहेंगे मैं रोलर बोर्ड पे उनका आंसर लिखती जाऊंगी. इट वाज अ ब्रॉन्ज एज. ओके, टू सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर हड़प्पा एंड मोहन जोदारो. ठीक, उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेरा क्या हुआ? स्टूडेंट्स आर कॉपिंग फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड. स्टूडेंट्स लिख रहे हैं जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पर कराया है. उसके बाद मैं होमवर्क दे दूंगी, रीड द चैप्टर, और इसके साथ ही मेरा लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो गया. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके जो डाउट्स हो मैं सक्सेसफुली उन्हें क्लियर कर पाई हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.